चलो चलो। मन नहीं कर रहा है। क्या मन कर रहा है? मन कर रहा है यहाँ पे बैठे रहे या कोई आ पूरी रेडी? क्या आपको याद नहीं कल करता हमारा रात का डिनर करते हैं एंजॉय? सुबह सुबह क्या कर रही है? क्या है जी? खाली। अच्छा घी बनेगा? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका आज के न्यू ब्लॉग में। तो आप लोगों ने कल हमारे वीडियो तो देखा ही, जो हम लोगों ने अपना यूट्यूब अर्निंग आप लोग से दिखाया कि हमारा अभी कितना कम अर्निंग होता है यूट्यूब में, बट सब्र है, आगे चल के बहुत अच्छा होगा। और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट रहा तो हम लोग बहुत आगे तक जाएंगे, कल उसके लिए थैंक यू सो मच। और अभी हम लोग जा रहे हैं किचन में, थोड़ा हम लोग का पूड़ी और सब्जी बना हुआ है, तो सब्जी बन के हो गया है रेडी, सिर्फ पूड़ी को फ्राई करना है। मम्मी पापा खा लिए, हम और स्मृति अभी नहीं खाए, ये अभी सो रहे हैं। इनको उठाते हैं जल्दी से, लेके चलते हैं वहाँ पे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 9:30 बजने वाला है, इसलिए लेट नहीं करते, चलते फटाफट। चलिए जी। ये तो फ़ोन में ही लगे हुए हैं, अभी इतना फ़ोन एडिक्टेड है ना ये कि क्या ही बताएं दोस्तों। दिख रहे हैं, देख रहे कैसे कर रहे हैं, देखिए 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 ना कैसे कर रहे हैं। उठिए, आपको तब से बोल रहे हैं आप नहीं उठे थे। हो गए, हम तो 10 मिनट पहले ही उठे हैं। ओह, अपलोड हम अभी थोड़ी देर पहले अपलोड कर रहे थे। अरे भाई, थोड़ा देर पहले अभी अपलोड कर रहे थे फेसबुक पर वीडियो, तो वही पे हम थोड़ा बिजी थे, तो इसीलिए आप सो गई है। हम बोल रहे कि हम लेट किए, हम तो काम ही ना कर रहे थे भाई, तो चलिए लेट नहीं करते हैं। चलो मन नहीं कर रहा है। क्या मन कर रहा है? मन कर रहा है यहाँ पे बैठे रहे या कोई आके दे। का ना अच्छा होगा, एक दिन नए दिन होगा कभी जब आप। कहाँ है सब्जी? कौन सा है सब्जी, दिखाई ना मेरे। ये बना है सब्जी, बिना लहसुन प्याज का है। मसाला बहुत कम है यार इसमें, पानी की तरह क्यों लग रहा है इसका ग्रेवी? मसाला दिए। अच्छा, और ये भी तेल है इसमें, क्योंकि मम्मी पापा खा लिए तो उनका ये, तो इसीलिए इसमें तेल था। और इसमें हम लोग का भी फ्राई होगा। लाइट आ गया है, अभी गैस जला दिए हैं, और हम लोग का किचन में फैन भी लग गया है। हम लोग आपको बताए नहीं ये बात, अब हवा खा के ये किचन में खाना बनाएंगे। तेल हो रहा है अभी गरम, और यहाँ फूल आँच है, और मिश्रित अभी इस आटा को लोहिया को बेल रहा है। हाँ बेलेंगे मतलब, और हम मांग रहे हैं इनसे कि हमको दीजिए, हम कर देते हैं, लेकिन हमको नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम इनसे अच्छा बेल लेते हैं ना, इसलिए कुछ भी कैसा चाहिए ये। इट इज ट्रू, अभी पाव गर्म हो गया है, जल्दी से बनाइए। कितना लोहिया कर रहे हैं? एक तो पूरी खाना है मेरे को, चार खाना है। चार चार आठ को कीजिए। एक दो ये मेरा ऐसे। अच्छा हो गया आठ। ओके पहले बेल लेते हैं। पहले बेल लीजिए। अच्छा सब एक ही में डालिए क्या? बेल के रख लेते हैं ना। ओह, इनसे नहीं हो पाया, हम बोलते हैं इनसे नहीं होगा, ये हमसे ही होगा, लेकिन मेरा बात समझते नहीं। देखिए फिर से बेल रहा है, अब सब काम औरत से नहीं हो पाता। क्या बोलेंगे हम, क्या ही बोलिएगा आप, आपके पास शब्द है बोलने के लिए क्या? तो अभी सब पूरी मिश्रित बेल लिए हैं, और अभी कढ़ाई में इसको फ्राई करेंगे। अच्छा है, तो ठंडा मौसम है, सोने में सही है।
से बारिश ही बारिश हो रहा है अभी, जब मन तब बारिश का कोई टाइमिंग नहीं है अभी। इसमें कुछ भरा है कि सादा है ये वाला? हाँ मलाई भरा, मलाई भरा है। फिर तो ये आपका मलाई पूरी हो गया। अच्छा ठीक, हमेशा कुंची भर के दो, भर के ये पूरी रेडी। क्या आपको याद नहीं कलकत्ता में खाए थे ऐसे झोल का सब्जी? वो तो बिना लहसुन प्याज का था। ये ही है लहसुन प्याज का है, सिर्फ प्याज और लग रहा है। इसे प्याज दिया हुआ है कटासी, प्याज में दे देते हैं। कितना मसाला खाएगा? नहीं बात तो सही है, कलकत्ता में खाए थे कितना अच्छा से भाई। घर में वही है, घर में बनेगा वो सब खाने नहीं, बाहर बनेगा तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यू शट अप, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। पूरी बन के हो गया है रेडी और सब फुला फुला पूरी सब है और सब्जी यहाँ पे सर्व किया जा रहा है बिना लहसुन प्याज का है। प्याज है और जो प्याज है लाल, मतलब मसाला कुछ भी नहीं, मसाला बहुत कम है। देखिए पानी की तरह झोल लग रहा है। ऐसे बनाया, ऐसे भी अच्छा लगता है पूरी के साथ, पूरी सब्जी मस्त लगती है। तो हमारा रात का डिनर करते हैं एंजॉय, कल मिलते हैं आपसे। कल मिलेंगे आप सुबह। बज रहे अभी सुबह के 7, आप लोगों को गुड मॉर्निंग है। ये लड़की देखिए सुबह सुबह क्या कर रही है, क्या है जी? अच्छा घी बनेगा, घी बनाने का प्रोसेस चल रहा है अभी। देख दूध दूध गिरेगा, तो गाइस मैंने जो मलाई है वो पूरा मथ लिया था और ये रहा। अभी मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दिया है कि धीरे धीरे होगा क्योंकि सर टाइम लगता है होने में घी। तो ये रहा, पहली बार, मतलब पहली बार नहीं बहुत, मतलब हुआ है लेकिन कुछ महीने बाद मतलब इतना सारा घी बना रही हूँ। उन्हें तो छाली, मतलब जो मलाई होता है बहुत कम आता था, बहुत कम, लेकिन इस बार मिल रहा है अच्छे से और होने में से टाइम लगेगा धीरे धीरे, इसलिए मैं चढ़ा चुकी हूँ सुबह ही, देखती हूँ कब तक होता है। हे गाइस, तो जैसे कि मैं 7:30 बजे से स्टार्ट की थी, अभी भी घी बनते हैं, आने लगा है कि बहुत टाइम लगता है गाइस इसमें, खड़ा आप खड़ा नहीं रह पाओगे इतना टाइम लगता है। मैं तो ज़्यादा कर बैठ गई थी 2-3 बार, बस हो ही जाएगा, अभी और टाइम लगेगा। जैसे ये आप लोग देख सकते हैं घी आने लगा है इसमें, तो इसे अब लास्ट स्टेज में इसे क्या है ना, आप खड़ा रहना पड़ता है, इसे ऐसे ऐसे करना पड़ रहा है। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ये बैठ जाएगा ऐसे। और आज मैं बनाने वाली हूँ बेसन और आटा का चीला, तैयार करके रख लिया है मैंने बैटर, जिसमें मैंने डाला है गाजर, हरा मिर्च, टमाटर, प्याज और नमक वगैरह डाला है और कलौंजी, और इसके बाद अजवाइन डाला है थोड़ा सा, थोड़ा फूलने देती हूँ, इसके बाद फिर चीला बनाऊँगी। इससे पहले कंप्लीट कर लेती हूँ। हे गाइस, तो मैं आ गई हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए और ये रहा बन चुका है बेसन और आटे का चीले मैंने बनाया है पहली बार, तो देखती हूँ कैसा लगता है। और मुझे यही सब अच्छा लगता है, हल्का फुल्का नाश्ता अच्छा लगता है। तो अभी मैंने मिस्टर भारत के लिए नहीं बनाया है क्योंकि वो आए नहीं हैं अभी तक दुकान पर, तो वो आएंगे तो उनके लिए उस टाइम बनाऊँगी, तो आप लोगों को दिखा दूँगी। और मैं बना कर अपना ले आया क्योंकि मुझे बहुत तेज़ से भूख भी लग गया, पैर भी इतना ज़्यादा दर्द कर रहा है खड़ा खड़ा, क्या बताऊँ। इसलिए सोची अभी सूट नहीं करती, पहले खा लेती हूँ, इसके बाद आप लोगों को दिखाऊँगी। फिर तो मैं पहले खा लेती हूँ। हेलो एवरीवन, तो आज है नेक्स्ट डे, तो आज बन रहा है ये मेरे लिए, क्या बन रही है मिस स्मृति जी? चिल्ला चिल्ला खा लिए, आपके लिए बनेगा।
चितुआ क्या चीज का बोली? क्या बेसन है? बेसन और क्या क्या है इसमें? गाजर सब बता चुके। गाजर प्याज वाज गाजर प्याज तो आज बन रहा है मेरे लिए ये वाला। देखिए किस तरह का बना हुआ है और यहाँ पे घी भर काया गया है। ये जो बचपन में बहुत खाते थे, बहुत मजा आता खाने में ना। किस कुंची बोलते थे इसको? हम लोग तो दाढ़ी बोलते थे। कहाँ बोलते थे? बंगाली भाषा। आप क्या बोलते थे? कुंची बोलते थे, हमको याद है मम्मी। इसमें चीनी फेट के हम लोग खाते थे। ये घी है इसमें तो आता नहीं। अरे हमको याद नहीं है, भूल गए बचपन में थे। बन रहा है हमारे लिए चीला जीला। तो आज बनेगा क्या? बनेगा आज कुछ नहीं, पोहा। पुआ पुआ हाँ पुआ बनने वाला है आज, जो कि होली में मतलब बनता है। सबके बन के रेडी हो ही गया है लगभग। इसको कर रहे हैं मिस्त्री जी, अभी सेक रहे हैं पहले। टमाटो सॉस, ये सोया सॉस है, नीचे चिल्ली सॉस है, ये चेरी। ये मेरा है? हाँ हाँ, इसी में अच्छा है। ठीक है, तो खाते हैं और करते हैं एंजॉय। एंजॉय हे गाइस। तो नाश्ता के बाद और सूट हम लोगों ने नहीं किया था, क्योंकि इसके बाद फिर आप लोगों को पता है घी बनाने में ना गाइस टाइम लग जाता है। जो बनाते हैं उनको पता होगा घी बनाने में टाइम थोड़ा लग जाता है। तो घी बनाए, इसके बाद फिर नाश्ता बनाने के बाद आज सिंपल सा खाना बना था, चावल वगैरह। तो वो बनने के बाद हम लोगों ने लंच भी कर लिया। मिस्टर भारत यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं और फिर अभी दुकान चले जाएंगे। दुकान चले जाएंगे और मैं बैठी हुई हूँ अभी। तो अभी कितना 3 बज रहा है ना, तो अभी 3 बज रहे हैं, थोड़ा सा आराम करूँगी। और ये बोले हैं आप लोगों को कि पुआ बनने वाला है, तो हाँ बनेगा, लेकिन अभी टाइम है, मतलब शाम को बनेगा हो सकता है। तो वो वाला ब्लॉग हम लोग कल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। कल आप लोग देख लेना सारा प्रोसेस जो है वो कैसे बनता है, मालपुआ बनाना है। तो बहुत दिनों से हम लोगों को मन कर रहा था खाने का, क्योंकि अक्सर तो वो होली में ही बनता है और होली में इतना सारा चीज़ बन जाता है ना कि आप क्या खाओ क्या नहीं खाओ, मतलब समझ में नहीं आता। उस टाइम पे अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन अब अगर ऐसे किसी दिन बनता तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। और मुझे तो मतलब कि ठंडा ही अच्छा लगता है, जैसे रात को बना सुबह खाओ तो बड़ा अच्छा लगता है। तो बनेगा तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो बस आज के वीडियो यहीं पर रखते हैं। और आप लोगों का गाइस बहुत ज़्यादा प्यार हम लोगों ने कल देखा, बहुत अच्छा लगा। बहुत लोगों का कमेंट, आप लोग बहुत आगे जाइएगा ऐसे वैसे, बहुत अच्छा लगा। उसके लिए आप लोगों को दिल से थैंक यू, बहुत सारा थैंक यू। तो बस अब कल मिलेंगे आप लोगों के साथ एक न्यू वीडियो के साथ। तो आइए वीडियो इन्जॉय कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर हमारे चैनल पर अपने तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बस आज के लिए बाय।